Morning students, yesterday we have finished till page number 61, right? So today we are going to see page number 62. Try this. This should only be done under adult supervision. ये जो आप काम करने वाले हो, ये जो activity है, अगर आपके साथ कोई बड़ा हो तो उनके साथ ही आपको ये activity करनी है, नहीं तो मत try कीजिए. क्या है ये activity? When chapatis have been made and the griddle is still very hot, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, वॉट डू यू सी? आपको पता है आपकी मम्मी चपाती बनाती है, राइट? तो वो किस पे बनाती है? तवे पे. तो जब आप उस पे पानी छिड़कते हो चपाती होने के बाद, तो आपको उसमें से आवाज़ दिखाई देगी या फिर सुनाई देगी, सॉरी. स्प्रिंकल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, वॉट डू यू सी? द ड्रॉप स्प्रिंकल्ड ऑन द ग्रिडल बिकम राउंड लाइक बीड्स एंड डिसअपियर इवन एज यू वॉच. अगर आप पहले वाटर डालते हो, उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हो, तो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे वाटर के, और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं. व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बताता है? द ग्रिडल इज़ वेरी हॉट. द हीट फ्रॉम द ग्रिडल चेंजेस द वाटर इनटू वाटर वेपर ऑल एट वंस. ये जो ग्रिडल होता है, मीन्स जो तवा होता है, जब हम उस पर पानी डालते हैं तो उस पर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं वो क्या होते हैं? द हीट फ्रॉम द ग्रिडल, इसमें से जो तवे में से जो हीट आती है वो चेंजेस इंटू वाटर वेपर, एक साथ ही वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है और वो डिसअपियर हो जाता है. यूज़ योर ब्रेन पावर. वाई डू वेट क्लोथ्स ऑन द क्लोथ्स लाइन बिकम ड्राई आफ्टर सम टाइम? अभी जब हम कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए, तो वो थोड़ी देर के बाद ड्राई क्यों हो जाते हैं? ये आपको सोचना है. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम धूप में जब कपड़े डालते हैं तो धूप की वजह से हमारे पूरे कपड़े सूख जाते हैं, उसमें का पूरा पानी हवा में मिक्सअप होके उड़ जाता है, इसलिए हमारे कपड़े सूख जाते हैं. नाउ ट्राई दिस. टेक वाटर इन अ ग्लास, एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू द वाटर, स्टर इट विथ अ स्पून, वॉट डू यू सी? पानी लेना है, उसमें थोड़ा नमक डालना है और उसे मिक्सअप करना है. आपको क्या दिखाई देगा? You do not see the salt in the water anymore. With the spoon, place a drop of this water on your tongue. You find that it tastes salty. अभी आपको क्या देखना है कि जब आप stir करते हो water में नमक को, तो आपको नमक दिखाई देता है क्या? नहीं. नमक क्या हो जाता है? वो मिक्सअप हो जाता है पानी में. But when you taste the water, you will taste the water very salty. What does this tell us? ये हमें क्या बताता है? The water was salty. The water was very salty. It means that the salt is still there in the water, though we cannot see it. Means हमें पानी में salt नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी उस पानी में salt है. In the other words, the salt has dissolved in the water. Some substance dissolve in water. Means what happened? The salt which we have put in the water, it has dissolved in the water. So it means that some substances get dissolved in the water. Now use your brain power. Several substances dissolve in water. Name some of them. अभी कुछ कुछ ऐसे substances होते हैं वो पानी में mix हो जाते हैं. ऐसे कौन से substances हैं वो आपको find out करना है. Do you know? Water has to be frozen to make ice. Water को क्या करना पड़ता है? Frozen means आप लोग water को water cubes आइस क्यूब्स फॉर्म हो जाते हैं जब आप उसे फ्रीज़र में रखते हैं. वाटर को देखा है आपने कभी? फ्रीज़र में हम रखते हैं, जिसके घर में फ्रिज होगा, अगर आप फ्रीज़र में वाटर रखते हो तो उसका थोड़ी देर में आइस बन जाता है. मैनी पीपल हैव रेफ्रिजरेटर्स इन विच आइस कैन बी मेड. बहुत सारे लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जिसमें हम